गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों की सीरीज में आज हम बात करेंगे गोबी मरुस्थल की। हम आपको बताएंगे गोबी मरुस्थल यानी गोबी डेजर्ट का विस्तार क्षेत्र, और बताएंगे हम आपको एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें गोबी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र है मंगोलिया और चीन। ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये मंगोलिया की बाउंड्री है और ये चीन की बाउंड्री है। तो गोबी डेजर्ट का विस्तार क्षेत्र है मंगोलिया और चीन। इसके अलावा गोबी मध्य एशिया का एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। गोबी एक मंगोलियाई शब्द है जिसका अर्थ है पानी रहित स्थान होता है। यह मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल भागों में फैला हुआ है। हमने आपको बताया था कि गोबी डेजर्ट का विस्तार क्षेत्र है मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके अलावा गोबी रेगिस्तान उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान हैं, और दक्षिण पश्चिम में तिब्बती पठार और दक्षिण पूर्व में उत्तर चीन के मैदान से घिरा है गोबी डेजर्ट। इसके अलावा गोबी मरुस्थल पूर्वी एशिया में एक बड़ा रेगिस्तान है या ब्रश लैंड क्षेत्र है। इसमें उत्तरी पूर्वोत्तर चीन और दक्षिणी मंगोलिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गोबी मरुस्थल यानी गोबी डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है। आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप में। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि गोबी डेजर्ट का विस्तार क्षेत्र क्या है। आपका आंसर होगा मंगोलिया और चीन। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।